मन की एकाग्रता ना होने का क्या कारण है? पूर्वजन्म के जो अच्छे बुरे कर्म है ना, वो मन को एकाग्र नहीं होने देते, चलायमान बना देते हैं बुद्धि को, बुद्धि चंचल हो जाती है। याद करते करते वो कर्म, पूर्वजन्म के विकर्म है, पाप कर्म पुण्य कर्म भस्म हो जाएंगे, तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और फिर हमें कोई हिला नहीं सकेगा। जैसे दीपक है, हवा चलेगी तो दीपक की लौ हिलेगी, और बिल्कुल हवा है ही नहीं तो दीपक की लौ ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी। तो ऐसे ही है आत्मा, आत्मिक स्थिति में कब तक रहेगी, कब रहेगी? जब माया के झोंके आना बंद हो जाए। पूर्व जन्म का हिसाब किताब है माया के झोंकों का, 63 जन्म से ये हिसाब किताब लगा है हमारे पीछे संघ का रंग का। शिव बाबा तो इस सृष्टि पे रहता है, लेकिन शिव बाबा को छोड़ करके मायावियों के प्रभाव में हम आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं और उनके रास्ते पर, बताए रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो माया का झोंका हमको बहा ले जाता है, आंधी आई और उड़ा ले गई। तेसर जन्मों में कितने लोग कन्वर्ट होते रहते हैं दूसरे दूसरे धर्मों में, वो क्या है? वो मायावियों की आंधी है जो विदेशी परंपराओं में हमको भटकाई देती है, देवता से बदल करके राक्षस बनाए देती है।